हेलो एवरीबॉडी आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है स्टॉक कॉन्फ्रेंस जिसमें हम कवर करेंगे स्टॉक कॉन्फ्रेंस के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक्शन प्लान को और 26 प्रिंसिपल्स ऑफ स्टॉक कॉन्फ्रेंस को स्टॉक होम जिसे यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवामेंट भी बोला जाता है और स्टॉक कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है ये कॉन्फ्रेंस नाइनटीन में हुई थी क्लाइमेट में जो परिवर्तन आ रहे थे उसके लिए हमारे पास में साइंटिफिक एविडेंसेस मौजूद थे और इन्हीं क्लाइमेटिक चेंजेस को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में डिस्कस किया गया था 1968 में जहां पर क्लाइमेटिक चेंज को डिस्कस किया गया था और इसके साथ ही में साइंटिफिक एविडेंसेस को भी देखा गया था जो कि बताते हैं कि क्लाइमेट में परिवर्तन आ रहा है 1972 में यू कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट किया गया था ये कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम में की गई थी और ये अभी तक की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एनवायरनमेंट को एक बड़ा इशू माना गया था जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस यूएन कॉन्फ्रेंस में आए थे उन सभी पार्टिसिपेंट्स ने कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया जो प्रिंसिपल्स इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए थे इन प्रिंसिपल्स में स्टॉकहोम डिक्लेरेशन एंड एक्शन प्लान फॉर द ह्यूमन एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग एनवायरमेंटल इश्यूज को डिस्कस किया गया था साथ ही इसके अंदर ये भी डिस्कस किया गया था कि इन सभी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को किस तरह से रिजॉल्व किया जाए स्टॉक होम डिकलेशन में टोटल ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल्स थे जिनमें एनवायरमेंटल इश्यूज को इंटरनेशनल कंसर्नस में सबसे ऊपर रखा गया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सामने काफ़ी सारी कठिनाइयाँ हैं पर उन सभी में सबसे ऊपर आते हैं ये एनवायरमेंटल ईशूज़ इसमें इस बात को भी डिस्कस किया गया था कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कंट्रीज डेवलप हो रही हैं इकोनॉमी ग्रो कर रही है पर वहीं अगर हम देखें तो एयर वाटर ओशंस में पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है इसी बात को कनेक्ट किया गया था लोगों के वेलबींग well से कि हम एक अच्छी लाइफ के लिए काफ़ी हद तक मेहनत कर रहे हैं एक अच्छी लाइफ लोगों को प्रदान करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कंट्रीज़ डेवलप हो रही हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है पर किस कॉस्ट पे? यहाँ पर पॉल्यूशन भी उतना ही बढ़ रहा है इस ग्रोथ के साथ में तो यहाँ सवाल ये आता है कि क्या हम सच में लाइफ को बेटर बना रहे हैं या फिर वर्स बना रहे हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में जो एक्शन प्लान तैयार किया गया था उसके अंदर तीन कैटेगरीज़ थी ग्लोबल एनवायरमेंटल असमेंट प्रोग्राम एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ इंटरनेशनल मेजर्स टू सपोर्ट असमेंट एंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ अब ये जो तीन कैटेगरीज हैं इन्हें 109 रेकमेंडेशंस में बांटा गया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की वजह से ही यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम यू को क्रिएट किया गया था जो स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस नाइन्टीन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम था क्योंकि इस प्रोग्राम के बाद में इस कॉन्फ्रेंस के बाद में काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एनवामेंट मिनिस्ट्रीज को सेट किया गया था प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टाक होम डिकलेशन स्टॉक होम डिकलेशन में टोटल 26 सिक्स प्रिंसिपल्स दिए गए थे अभी जब हम यहाँ पर उन 26 सिक्स प्रिंसिपल्स को कवर कर रहे हैं तो हम उन्हें सीक्वेंस वाइज नहीं करेंगे बट कैटेगरी वाइज करेंगे अगर आप भी इन ट्वेंटी सिक्स प्रिंसिपल्स को कैटेगरी वाइज याद करते हैं तो आपके लिए याद रखने में आसानी होगी प्रिंसिपल नंबर वन और प्रिंसिपल नंबर फिफ्टीन ह्यूमन सेंट्रिक है प्रिंसिपल नंबर वन बात करता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट इसमें बताया गया है कि ह्यूमंस के पास में पूरा अधिकार है कि वो नेचर को इन्जॉय करें उसे यूज़ करें तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा नेचर के ऊपर अधिकार है साथ ही साथ ये हमारी ड्यूटी भी है कि अगर हम इस नेचर से कोई फ़ायदा ले रहे हैं तो हम बदले में नेचर को प्रोटेक्ट करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल ट्वेंटी वन है वो भी यही बात करता है प्रिंसिपल फिफ्टीन बात करता है ह्यूमन सेटलमेंट एंड अर्बनाइजेशन के बारे में ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्लान सेटलमेंट्स और अर्बनाइजेशन होना ज़रूरी है अगर हम इस तरह से सेटल हों जिसमें हम पहले ही एनवामेंट के बारे में प्लान करें और अर्बनाइजेशन करते हुए एनवायमेंट को भी ध्यान में रखें तो यहाँ पर जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं एनवामेंट के ऊपर उन्हें रोका जा सकता है इस प्रिंसिपल में इसी बारे में बात की गई है कि सेटलमेंट और अर्बनाइजेशन को प्लान करने के बाद किया जाए और यहाँ पर एनवामेंट को भी महत्व दिया जाए प्रिंसिपल्स की जो अगली कैटेगरी है वो कवर करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इसमें प्रिंसिपल नंबर टू बात करता है ड्यूटी टू प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्स के बारे में हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स मौजूद हैं वो लिमिटेड हैं इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी नेचुरल रिसोर्स को केयरफुली इस्तेमाल करें ये प्रिंसिपल यही बताता है कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करना होगा विथ इफेक्टिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल नंबर थ्री बात करता है ड्यूटी टू प्रिजर्व रिन्यूएबल रिनीस के बारे में अब ये रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं देखिए रिसोर्स दो टाइप्स के होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे पास में इज़िली अवेलेबल हैं और जो कभी ख़त्म नहीं होते एग्ज़ैम्पल के लिए एयर वाटर और सनलाइट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमारे पास में ज़्यादा मात्रा में नहीं हैं और अगर हम उसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल कोल तो ये जो प्रिंसिपल थ्री है ये बात करता है रिन्यूएबल रिसोर्स के प्रिजर्वेशन के बारे में अब रिन्यूएबल रिसोर्स तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हैं और ये कभी खत्म भी नहीं होंगे पर ये प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है कि हमको उन रिन्यूएबल रिसोर्स की क्वालिटी को भी इंश्योर करना है ऐसा ना हो कि आगे आने वाले समय में हमारे पास में रिन्यूएबल रिसोर्सिस तो हों पर उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाए एग्जाम्पल के लिए आगे आने वाले समय में हमारे पास में पानी तो अवेलेबल हो पर वो पानी ऐसा हो कि हम उसे उपयोग ही ना कर सकें इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्स की क्वालिटी को बनाए रखें प्रिंसिपल नंबर फोर बात करता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में इस प्रिंसिपल के द्वारा ये बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को इकोनॉमिक प्लानिंग का पार्ट बनाना ज़रूरी है तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे वाइल्ड लाइफ को बचाना ह्यूमंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते यहाँ पर यह जरूरी है कि जब हम इकोनॉमिक प्लानिंग करें तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ को भी ध्यान में रखें प्रिंसिपल नंबर फाइव बात करता है ड्यूटी टू प्रिजर्व नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सिस हमारे पास में ज़्यादा नहीं है और अगर हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे तो ये प्रिंसिपल इसी बारे में बात करता है कि हमें इन रिसोर्स को प्रिजर्व करना चाहिए प्रिंसिपल थर्टीन बात करता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लॉजिकली और साइंटिफिकली ऐसे तरीके निकाले जिससे रिसोर्स को आसानी से मैनेज किया जा सके और एनवामेंट को इम्प्रूव किया जा सके और यहाँ पर सभी स्टेट्स से यही मांग की गई थी कि सब आपस में कोऑर्डिनेट करें और एनवाइ को बेटर बनाने की कोशिश करें प्रिंसिपल बात करता है रैशनल प्लानिंग के बारे में अब जब यहाँ पर सवाल ये आता है कि डेवलपमेंट किया जाए या कंजर्वेशन किया जाए क्या हम एनवायरमेंट को बचाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन को पीछे छोड़ दें? तो इसका जवाब देता है प्रिंसिपल फोर्टीन यहाँ पर रैशनल प्लानिंग की आवश्यकता है कि लॉजिकली और साइंटिफिकली ऐसे मेजर्स को निकाला जाए जिससे डेवलपमेंट और कंजर्वेशन साइड बाय साइड दोनों चीज़ें होती रहें प्रिंसिपल ट्वेंटी वन बात करता है रिफ्लेक्शन ऑन कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ पोजिशन के बारे में स्टेट्स के पास में एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि वो नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और जो भी उनकी पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंगली वो नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं पर यहाँ यह प्रिंसिपल इस बात को बताता है कि स्टेट्स की पॉलिसी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करे और जो किसी दूसरी स्टेट को डैमेज करे अगर कोई स्टेट अपने नेचुरल रिसोर्स को इस्तेमाल कर रही है तो उसे इस तरह से नहीं किया जाए कि नेबरिंग स्टेट में कोई एनवामेंटल प्रॉब्लम हो अब यह कैटेगरी तो बात कर रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो बात करती है प्रिवेंटिव एक्शंस के बारे में प्रिंसिपल सिक्स बात करता है मैनेजमेंट ऑफ पॉल्यूशन के बारे में पॉल्यूशन एनवामेंट को हार्म करता है अगर हम इसी तरह से टॉक्सनस को लार्ज क्वांटिटीज में डिस्चार्ज करते रहेंगे तो ये इको के लिए हार्मफुल है ये सिटीजनस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये स्टेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस की डंपिंग को रिड्यूस किया जाए प्रिंसिपल सेवन बात करता है मैनेजमेंट ऑफ सी पॉल्यूशन के बारे में ये प्रिंसिपल यही बताता है कि सी पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जाना चाहिए और ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए मरीन लाइफ के लिए और सीस के लिए हजारडियस है ऐसे सब्सटेंसेस को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए प्रिंसिपल एट बात करता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बेटर लिविंग और बेटर वर्किंग के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन हैं उन्हें इम्प्रूव किया जाए पर साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप सोशल और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट लेकर आते हैं तो यहाँ पर एनवायरमेंट पर कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए प्रिंसिपल 18 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ साइंस के बारे में साइंस को अप्लाई करके ये देखना चाहिए कि किस तरह से एनवायरमेंट को कंजर्व किया जा सकता है यहाँ पर एनवायरमेंटल रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और इन रिस्क को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है उस बारे में ध्यान देना चाहिए कॉम्पनसेशन टू विक्टिम्स प्रिंसिपल ट्वेंटी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे व्यक्ति जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं उन पर लाइबिलिटी इम्पोज़ की जाए और ऐसे लोग जिन्हें एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डैमेज की वजह से नुकसान हुआ है ऐसे लोगों को कॉम्पनसेशन प्राप्त हो अगली कैटेगरी है कोऑपरेशन। करता ट्वेंटी कोऑपरेशन नेशंस के बारे में। सभी नेशंस की ड्यूटी है कि वो आपस में कोऑर्डिनेट करें जिससे एनवायरमेंट को बेटर बनाया जा सके ये प्रिंसिपल यही बताता है कि सभी नेशंस को इंटरनेशनली कोऑर्डिनेट करना चाहिए और आपस में एक दूसरे के सहयोग से एनवायरमेंट को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए प्रिंसिपल ट्वेंटी फाइव बात करता है कोऑर्डिनेशन नेशंस के बारे में ये प्रिंसिपल बताता है कि स्टेट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना चाहिए और ऐसे प्रिंसिपल्स लेके आने चाहिए जिससे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके प्रिंसिपल इलेवन बात करता है एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में यह प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है कि सभी नेशंस को डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को इस तरह से डिजाइन करना चाहिए यहाँ पर डेवलपमेंट भी होता रहे पर यहाँ पर एनवायरमेंट के साथ में भी कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े प्रिंसिपल 19। एजुकेशन इन एनवायरमेंटल है और एनवायरमेंटल मैटर्स क्या होते हैं सभी लोगों को करंट कंडीशन के बारे में अवेयर किया जाना चाहिए ताकि उन्हें पता पड़े कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही है अगर उन्हें अभी नहीं रोका गया तो आगे क्या हो सकता है प्रिंसिपल ट्वेंटी एक्सपेंडिंग साइंटिफिक रिसर्च एनवामेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसर्च करके हम तरीके निकाल सकते हैं जिससे हम डेवलपमेंट भी कर सकें और साथ ही साथ एनवामेंट को कोई नुकसान भी ना हो पर यहाँ पर सभी कंट्रीज़ को एक बात इंश्योर करनी चाहिए कि साइंटिफिक रिसर्च इस तरह से की जाए कि इकनॉमी पे भी ज़्यादा बर्डन ना आए प्रिंसिपल नाइन एनवाटल डेफिशंसीज नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से और अंडर डेवलपमेंट की वजह से डेफिशंसी आती है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा इन एनवायरमेंटल डेफिशिय के लिए रेमेडी प्रोवाइड की जानी चाहिए प्रिंसिपल टेन बात करता है स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसिस एंड इनकम्स के बारे में ये प्रिंसिपल इस बारे में बात करता है की जो इकोनॉमिक फैक्टर्स है वो भी एनवायरमेंटल प्रोसेस का ही एक पार्ट है तो यहाँ पर यह जरूरी हो जाता है की जो चीजों की प्राइस

स्वाभाविक सी बात है कि एनवामेंट के ऊपर गलत इफेक्ट होगा इसलिए स्टेट्स के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए पॉलिसीज लेकर आए प्रिंसिपल सेवनटीन सेटिंग अप ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस ये स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस्टेब्लिश करें नेशनल बॉडीज को जिससे एनवामेंटल रिसोर्स को मैनेज किया जा सके प्रिंसिपल ट्वेंटी इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एजेंडा स्टेट्स के सामने अक्सर ये बात आती है कि कुछ प्रोसीजर्स और रूल्स ऐसे होते हैं जो कंट्री के वैल्यू सिस्टम के साथ में अलाइन नहीं करते हैं तो ऐसे सिनेरियो में स्टेट को ये जरूरत नहीं है कि ऐसे रूल्स को या फिर ऐसे प्रोसीजर्स को वो फॉलो करें प्रिंसिपल 26 बात करता है बैन ऑन न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में इस प्रिंसिपल के द्वारा यही बात की गई है कि सारी कंट्रीज को एक साथ आकर न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर देना चाहिए